राजू को देख के सबसे बड़ा शौक लगा था मुझे कि राजू जाएगा खतरों के खिलाड़ी में। नीशु बड़े टाइम के बाद कुछ अलग करने का मौका मिला तो वो अलग, जैसे हम एक दूसरे को जान रहे हैं एंड बहुत ही प्यारी लड़की है, उनके साथ बहुत मजा आता है। यारो मैंने कहा उसमें तो तू एक्सपर्ट है, वो ये ना सास बहू की जोड़ी बिग बॉस में भी थी, अब वो आगे केकेके में भी बरकरार रहने वाली है। इनफैक्ट मैं इस साल भी जाना चाहता था बट अभी मैं नागिन के साथ थोड़ा ऑक्यूपाइड हूँ। जी मैंने देखा नहीं था लेकिन उन्हीं के मुंह से मैंने बहुत तारीफ सुनी है उनकी, बहुत निडर और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने वहाँ पे भी, द बेस्ट एक्शन डायरेक्टर इन द कंट्री। अभी तक मुझे तो इस चीज़ की खबर नहीं है। हेलो गाइस, दिस इज सिम्बा नागपाल एंड यू आर वॉचिंग मी एट फर्स्ट इंडिया टेली। जी आज एक नया सीक्वेंस शुरू होने वाला है नागिन में, तो उसी का प्रोमो शूट हो रहा था आज यहाँ पे। कितना एंजॉय किया आज की प्रोमो शूट? बहुत एंजॉय किया, बड़े टाइम के बाद कुछ अलग करने का मौका मिला तो वो अलग करके बहुत मजा आया। तेजस्वी प्रकाश के साथ जिस तरीके से बॉन्डिंग ये बैठ गई है, उसपे क्या बोलना चाहेंगे? उसके लिए कहना चाहूँगा कि हाँ, मतलब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम एक दूसरे को जान रहे हैं, आवर बॉन्ड हैज ग्रोन स्ट्रॉन्गर एंड बहुत ही प्यारी लड़की हैं, उनके साथ बहुत मजा आता है। खतरों के खिलाड़ी का अभी काफी बज बना हुआ है, सीजन 12 स्टार्ट होने वाला है और सारे कंटेस्टेंट का नाम रिवील हो चुका है, किसको देखने के लिए? सबका ही हो गया। ओह, बहुत सारे ऐसे नाम है जो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जाने वाले हैं, पर वो जाने वाले हैं, किसको देखकर आप शॉक हो? मैं तो राजू को देख के सबसे बड़ा शौक लगा था मुझे कि राजू जाएगा खतरों के खिलाड़ी में, बट जब मेरी उससे बात हुई तो उसने साफ साफ बोल दिया कि मैं टास्क नहीं करने जा रहा हूँ वहाँ पे, मैं तो एंटरटेन करने जा रहा हूँ। मैंने कहा उसमें तो तू एक्सपर्ट है, तो बढ़िया एकदम। ओके, जिस तरीके से आपने बोला कि राजू बताते हैं वो जा रहे हैं और बेस्ट एंटरटेनर उन्हें माना भी जाता है, बिग बॉस में भी उन्हें माना जा रहा था, तो क्या लगता है टफ कॉम्पिटिशन कौन देगा उन्हें वहाँ पे एंटरटेनमेंट में? नीशु वो ये ना सास बहू की जोड़ी बिग बॉस में भी थी, अब वो आगे केकेके में भी बरकरार रहने वाली है। तो कभी अगर आपको भी ऑफर किया जाए खतरों के खिलाड़ी तो क्या आप करना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स, मेरा तो बहुत टाइम से दिल है, इनफैक्ट मैं इस साल भी जाना चाहता था बट अभी मैं नागिन के साथ थोड़ा ऑक्यूपाइड हूँ तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए, बट ऑफ कोर्स आई लव दैट सीरीज खतरों के खिलाड़ी एंड आई थिंक दैट्स माई USP। मुझे बहुत मजा आता है एडवेंचर्स वगैरह करने में, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं कब जाऊंगा। आपकी जो कलीग है तेजस्वी प्रकाश, वो जा चुकी हैं, क्या उनको आपने देखा था? जी मैंने देखा नहीं था लेकिन उन्हीं के मुंह से मैंने बहुत तारीफ सुनी है उनकी, तो और उनके मुंह से नहीं, मैंने दूसरों के मुंह से भी बहुत तारीफ सुनी है एंड मैंने सुना है कि बहुत निडर और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने वहाँ पे भी, सो आई एम ग्लैड कि ऐसी परफॉर्मर के साथ परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है मुझे। ओके, रोहित शेट्टी सर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, जिस तरीके से वो होस्ट करते हैं, क्या आपको पसंद आता है, क्या बोलना चाहेंगे उनके? जी मुझे लगता है कि वो एकदम परफेक्ट होस्ट हैं ऐसे शो के लिए खतरों के खिलाड़ी के लिए, बिकॉज ही इज़ द नंबर वन स्टंट डायरेक्टर ऑल्सो, ही इज़ द बेस्ट एक्शन डायरेक्टर इन द कंट्री एंड अगर वो इस चीज़ को डायरेक्ट करते हैं, होस्ट भी करते हैं, तो आई थिंक इससे बेटर कोई होस्ट रह नहीं सकते इस शो के लिए एंड आई लव हिम, उनकी मूवीज एंड हिज पर्सनालिटी एवरीथिंग। अभी आ रही है कि एकता कपूर मैम मूवी साइन की है तेजस्वी और आई थिंक आपके साथ भी, क्या बोलना चाहेंगे? अभी तक मुझे तो इस चीज की खबर नहीं है, जैसे ही मिलती है मैं बताता हूं आपको। ओके, लास्टली जाते-जाते ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे गाइस? सो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू हैव गिवन अस एंड बहुत अच्छा जा रहा है एंड हमारी मेहनत सफल होती हुई दिख रही है, तो बस ऐसे ही प्यार देते रहिए और देखते रहिए नागिन 6, बिकॉज बहुत कुछ ट्विस्ट आने वाले हैं अभी आगे जाकर। तो अभी ट्विटर पे ट्रेंड हो रही हैं तेजस्वी प्रकाश, कल पूछा गया था प्रतीक से कि तेजस्वी से क्या कुछ आपको मतलब टिप्स मिले हैं या नहीं, पर उन्होंने बोला कि एक ऐसा स्टंट था जिसपे तेजस्वी ने मतलब ऐसे सर फोड़ लिया था, सीधा ऐसा कुछ स्टंट था, तो उन्होंने ऐसा बोला कि कौन लेगा ऐसा करके, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? थोड़ा बताओ तो सही, मुझे सर फोड़ लिया था मतलब गलती से फूट गया था या जानबूझ के फोड़ लिया था? नहीं, आई थिंक ऐसा कुछ स्टंट था और वो थोड़ा सा घबरा गई थी। अरे वो नाटक करती है, डरती नहीं है किसी चीज से, वो नाटक बहुत करती है। अभी ट्विटर पे बहुत इसी को लेकर चल रहा है और तेजस्वी प्रकाश अभी ये ट्रेंड भी कर रही है ट्विटर पे। अच्छा, तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि जो भी था वो डरती नहीं है किसी चीज से, नाटक की दुकान है, नाटक ही कर रही थी उस टाइम पे भी। थैंक यू सो मच।